अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन हांडी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में भी इजी होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है 2 प्याज लिया है, कुछ टुकड़े अदरक के और कुछ कलियाँ लहसुन के। तो हम इन्हें जो है एक चॉपर लेंगे और इसमें सबको डाल देंगे। डालने के बाद हम इन्हें जो है दरदरा सा पीस लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे दरदरा सा पीस ले रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें जो है दरदरा कर लेना है। और अब हम ले रहे हैं, ये हमारा 250 ग्राम मटन है। और अब हम मसाला ले रहे हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच ये है मटन मसाला, मीट मसाला। और हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे रख देंगे, मसाला अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए, ये हमने तड़का लिया है। तड़के में हमने लिया है तेज़पत्ता है, जीरा है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग इलायची और कुछ टुकड़े हैं दालचीनी के। और हमने जो है अब हांडी को रख दिया है चूल्हे पे, गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं तेल। अब तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे ये खड़े मसाला। तो पहले हम खड़े मसाले का हम तड़का लगाएंगे। तो हल्का सा इसे जो है भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो अब हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हमने इस तरह से पतले स्लाइस में काट लिया है और प्याज को हमें जो है गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है। और हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है उन सबको जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है उसकी लिस्ट को। तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमने किस हिसाब से कितने क्वांटिटी में किस चीज़ को यूज़ किया है। तो अब हमारा प्याज जो है गोल्डन कलर का हो चुका है। अब इसमें हम मटन डालकर खूब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो अब जो है मटन हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं, इसका जितना भी मॉइस्चर था बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दरदरा पिसा हुआ जो है लहसुन अदरक। तो लहसुन अदरक को आप भी जो है दरदरा पीसकर बनाइए, इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। पीसने का जो हम पीसकर बनाते हैं उसका टेस्ट और इसका टेस्ट दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या फ़र्क है। तो अब हमें जो है अच्छे से भून लेना है इसे। थोड़ा 5 मिनट के बाद भूनने के बाद हम इसमें जो है गरम मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए कुछ भून चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पिसे हुए मसाले। तो इन सब मसालों को हमें जो है अच्छे से भून लेना है। 10 से 15 मिनट लग जाएंगे हमें मसालों को भूनने में। और जब मसाले भून जाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है इसमें से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से भून गए हैं, बिल्कुल मुंह में पानी आ जाए इस तरह से इसकी रंगत है। तो मसाले अब हमारे खूब अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो हम नमक डाल रहे हैं इसमें, स्वाद अनुसार हमने जो है नमक डाला है। हम डाल रहे हैं इसमें 1.5 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालिए। हमने इसमें ऐड किया है 1 लीटर पानी।
तो पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि जो है हम चूल्हे पे बना रहे हैं और मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही हमें बनाने। प्रेशर कुकर तो है नहीं कि सीटी आई और पक गया, तो इसमें धीमी आँच में हम इसे पकने देंगे 1 घंटे के लिए। तो हमने इसे ढक दिया है। ये देखिए हमारा मटन बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा बना है। ये देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप लोग भी बनाइए इसे, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बहुत ही अच्छे से गल चुका है, इसके जो है पीसेस जो है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो चुके हैं और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनी है। आप चाहे तो इसे और भी गाढ़ा कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये देखिए हमारा जो है मटन हांडी बन करके तैयार हो गया है। आप सबको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।